रात्रि से तुम ऐसे ही खड़े हो नंदी। प्रभु, जब से आपने मेरे सोने और जागने पर संदेह व्यक्त किया है, तब से मैंने ये निश्चय कर लिया है कि रात और दिन, आठों पहर, साठों घड़ी इसी प्रकार मूर्तिवत आपके सम्मुख खड़ा रहूंगा। जिस प्रकार मूर्ति स्थिर खड़ी रहती है, उसी प्रकार मैं भी स्थिर खड़ा रहूंगा। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। भोलेनाथ, क्या आपने नंदी महाराज को मूर्तिवत बना दिया है? नंदी ने स्वयं मूर्तिवत स्थिर रहने का निश्चय किया है, जिससे इन्हें कोई कार्य न करना पड़े। नहीं नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ भी कहें भोलेनाथ, मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ। अपने निश्चय पर अटल रहना अच्छी बात है नंदी, इससे हमारे अन्य भक्तों को प्रेरणा मिलेगी। नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं भोलेनाथ। नारद, आज तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं, फिर कैलाश पर आने का कोई विशेष कारण है? नारायण नारायण, मैं प्रश्न ढूंढ ही रहा था भोलेनाथ कि आपने मुझसे प्रश्न कर दिया। अब आपके इस प्रश्न के कारण मेरे मन में भी एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। यदि आप आज्ञा दें तो प्रश्न पूछूं। कैसा प्रश्न? हर प्रातः काल माता पार्वती पूजा की थाली लेकर यहाँ आती है, आपके सम्मुख खड़ी होकर आपके आरती उतारती है, फिर आपके चरणों पर पुष्प अर्पित करती है। वो शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती इस समय यहाँ उपस्थित क्यों नहीं है भोलेनाथ? ये प्रश्न पूछकर तुमने हमें निरुत्तर कर दिया है। हम स्वयं नहीं जानते कि हमें समाधि से जगाने वाली देवी पार्वती अब तक क्यों नहीं है। तुमने तो मूर्तिवत बने रहने का निश्चय कर लिया, इसलिए हम तुमसे कुछ कह भी नहीं सकते। अब तो नारद के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए स्वयं नारद को ही भेजना पड़ेगा। जो आज्ञा भोलेनाथ, मैं तुरंत माताजी के कक्ष में पहुंचकर देखता हूं कि उन्हें इतना विलंब क्यों हुआ। नारायण नारायण। मेरा कार्य आपने नारद जी को क्यों दे दिया भोलेनाथ? हमने तो तुम्हारे निश्चय को बल दिया है। अब तुम रात दिन, आठों प्रहर, साठ घड़ी इसी प्रकार खड़े रहोगे, चाहे हम यहां हो या ना हो। शिवाय। प्रणाम देवर्षि। गणेश महाराज, आप अपना गणेश लोक और बुद्धि सिद्धि को छोड़कर यहाँ क्यों उपस्थित हो गए? अरे, आप मौन क्यों हो गए गणेश महाराज? आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं मौन इसलिए हूँ देवर्षि कि आपके प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, और ये कहकर मैंने ये मौन भी तोड़ दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि माता पार्वती कहाँ है? ये विचित्र प्रश्न आप क्यों कर रहे हैं देवर्षि? माता जी भला अपना कक्ष छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ गणेश महाराज कि मुझे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को यहाँ से ले जाने के लिए भेजा है। सावधान देवर्षि, आप उनके कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे, ये उनकी आज्ञा है। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश महाराज? माता पार्वती के पास जाने का समान अधिकार मुझे भी है। मैं स्वयं कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता देवर्षि, आज प्रवेश निषेध है, कृपा कर लौट जाएं। आज आप कुछ बदले बदले लग रहे हैं गणेश जी, बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है देवर्षि, माता ने मुझे आज्ञा दी है कि किसी अन्य व्यक्ति को मैं उनके कक्ष में प्रवेश न करने दूं। तो क्या मैं अन्य हो गया? मैं भी तो एक प्रकार से शिव परिवार का सदस्य हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं देवर्षि? भगवान शिव के अतिरिक्त शिव परिवार के किसी भी सदस्य को आज माता के कक्ष में प्रवेश का अधिकार नहीं है। आप मुझसे वाद विवाद ना कीजिए, कृपा करके लौट जाएं। कृपा कर आप मेरी बात तो सुने। मैं कहता हूँ, मेरे भीतर प्रवेश करने से माता पार्वती रुष्ट नहीं होंगी, वे आप ही के समान मुझे भी स्नेह करती है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे भीतर प्रवेश करने दें, देख ले। आपकी चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी देवर्षि। देवर्षि, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा करके मुझे आपका अपमान करने पर विवश ना करें।
जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाए। माता देवर्षि, देवर्षि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि आप मुझे आपका अपमान करने पर विवश ना करें, कृपा करके माता की आज्ञा की अवहेलना ना करें। आपको भगवान शिव की शपथ है, लौट जाएं। भगवान शिव की शपथ? छोटी सी बात से बात शपथ तक पहुंच गई। भोलेनाथ ये क्या हो रहा है? गणेश जी मेरे साथ इतना रुक्ष व्यवहार क्यों कर रहे हैं? देवऋषि नारद माता का संदेश लेकर अभी तक नहीं लौटे। मैं जानता हूँ प्रभु, जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा माता पार्वती यहाँ नहीं आएंगी। आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें भोलेनाथ। अर्थात हमारी आज्ञा के नाम पर तुम अपना दृढ़ निश्चय तोड़ दोगे नंदी? क्या खड़े खड़े तुम्हें थकान हो रही है? थकान का तो प्रश्न ही नहीं है भोलेनाथ, आप ही का अंश मुझ में समाया हुआ है। जब आप समाधि लगा कर नहीं थकते तो हम खड़े खड़े कैसे थक सकते हैं भोलेनाथ? नंदी जब तुम अपना निश्चय तोड़ ही नहीं सकते तो देवी पार्वती के पास जाने का प्रश्न ही कहां उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज देवी पार्वती हमसे रुष्ट है, इसीलिए नारद के मनाने पर भी नहीं आ रही है। भोलेनाथ भोलेनाथ, यहाँ आने का और माता जी को मनाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता जब आपके सुपुत्र गणेश जी अपने परिवर्तित रूप में वहाँ द्वारपाल बने हुए हो और फिर हमें रोक भी रहे हो, तो फिर माता जी के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं भोलेनाथ। श्री गणेश कैलाश आए मुझे पता भी नहीं चला, हम अभी उनके दर्शन करेंगे और साथ में माता पार्वती को भी ले आएंगे। अपने निश्चय पर दृढ़ रहो नंदी, यदि तुम अपना निश्चय तोड़ दोगे तो हमें अत्यंत दुख होगा। भोलेनाथ ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल गणेश जी मातृभाव से अधिक प्रभावित हैं। आपका कथन सत्य प्रतीत होता है, अन्यथा ऐसा कभी नहीं हुआ कि कैलाश आने पर पहले वे हमसे न मिले। भोलेनाथ स्वयं मैं आश्चर्यचकित हूँ कि गणेश जी गणेश लोक छोड़कर द्वारपाल के रूप में यहाँ कैलाश में क्यों हैं और उनके आने का प्रयोजन क्या है। तब तो हमें ही जाना होगा और जाकर देखना होगा कि ये परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ। कहाँ है श्री गणेश? अभी अभी तो यहीं थे गणेश महाराज। भोलेनाथ हो सकता है गणेश जी माता पार्वती के कक्ष में भीतर गए हो। नारद कहीं तुमने गणेश को स्वप्न में तो नहीं देखा था? नहीं भोलेनाथ नहीं, मैं पूर्ण जागृत अवस्था में था जब मैंने श्री गणेश को यहाँ देखा था। भोलेनाथ मैं आपकी शपथ खाकर कह रहा हूँ, मैंने श्री गणेश को यहीं इस द्वार पर पहरा देते हुए देखा है। वे मुझे माता के कक्ष में अंदर जाने से रोक रहे थे। ये विचित्र लीला की श्री गणेश। भोलेनाथ यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर माता पार्वती से पूछ सकते हैं। हो सकता है श्री गणेश अपने माता के पास हो? नहीं भोलेनाथ नहीं, उन्होंने मुझे हट करके कहा था कि स्वयं उन्हें माता के कक्ष में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, फिर वे भीतर कैसे जाएंगे। चलो इस उलझन को देवी पार्वती से पूछकर दूर करते हैं। आओ। नहीं नहीं भोलेनाथ, मुझे माता पार्वती का कोप भाजन नहीं बनना है। अब तो ये निश्चित है कि वे रुष्ट हैं, अन्यथा वे श्री गणेश को यहाँ प्रहरी बनाकर कदापि न खड़ा करती। भोलेनाथ अब तो आप अकेले अंदर जाएं, माता पार्वती को बनाए, मुझे आप आज्ञा दें, मैं चला। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो देवी, हम आ गए। आंखें खोलो पार्वती। क्या बात है देवी,
आज किस बात का हट ठान कर बैठे? आंखें खोलो। हमें ऐसे अपरिचित और बेधक दृष्टि से क्यों देख रही हो देव? क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है? ऐसी निरुत्तर कब तक बनी रहोगी देव? कुछ तो बोलो। प्रतीत होता है कि आज मौन रहने की शपथ ले रखी है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर तभी दूंगी जब आप मुझे एक वचन देंगे। कैसा वचन? मेरी इच्छा पूर्ति का वचन। तुम्हारी इच्छा जाने बिना हम तुम्हें इच्छा पूर्ति का वचन कैसे दे सकते? यदि आप मुझे वचन नहीं दे सकते तो मुझसे बात करने का कोई अर्थ ही नहीं है। आप भी मौन रहिए, मैं भी मौन रहूंगी। टूटी हुई देवी को मनाना हमें आता है। यदि आप मुझे वचन नहीं दे सकते तो मुझे अकेले छोड़ दें और अपने समाधि स्थल पर जाकर ध्यान लगाएं। नहीं, इस समय हम ध्यान नहीं लगाएंगे। पहले हम तुम्हारा रोष शांत करेंगे। हमें पता तो चले कि तुम किस बात पर रुष्ट हो और क्या कहने से मान जाओगी। आप मुझे वचन देंगे तो मैं मान जाऊंगी। दिया वचन, अब अपनी इच्छा कहो। स्वामी, यहाँ से दूर किसी ऐसे शक्तिवन की रचना कीजिए जहाँ समस्त पुरुष जाति नारीमय हो जाए, जहाँ पुरुष के अधिकार और अहंकार तथा छल कपट और संघर्ष का कोई कारण ही ना रहे, जहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी समस्त वातावरण नारीमय हो जाए, आप स्वयं भी पुरुष रूप में न रहें, जहाँ केवल प्रकृति की प्रधानता हो पुरुष की नहीं। तुम्हें यह विचार किसने दिया देवी? और तुमने हमसे बिना पूछे यह हट धारण क्यों किया? क्योंकि अपने इस निश्चय को आपसे मनवाने का और कोई उपाय नहीं था। इसीलिए तुमने गणेश को यहाँ बुलाया और द्वार पर प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया। गणेश? गणेश को तो मैंने नहीं बुलाया। समझ में नहीं आया देवी, ये गणेश लीला थी या नारद लीला? आप सब समझते हैं स्वामी, वह शिवलीला ही होगी। नारद को चकित कर देने के लिए आपने स्वयं ये लीला रची होगी। अब बातों बातों में आप ये न बिसार देना कि आपने मुझे एक वचन दिया है। हमने वचन दिया है तो उसका पालन भी अवश्य करेंगे। इसमें भी आप कोई लीला तो नहीं रचेंगे ना स्वामी? वो लीला हमारी नहीं, तुम्हारी होगी देवी। जब शिव और शक्ति अभिन्न है, शिव और शिवा में कोई भेद नहीं, जब हम अवसर आने पर स्वयं को अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट करते हैं तो हम शक्ति वन का निर्माण करके नारी रचना में संकोच नहीं करेंगे। हम तुम्हारी इच्छा को शीघ्र ही कार्य रूप में परिणित करेंगे। उस शक्ति वन के स्थान का चयन भी आप ही को करना होगा स्वामी। अवश्य, तुम्हें वचन देते समय ही हमने उस स्थान का चयन कर लिया था देवी। कहाँ है वो स्थान? मनुपुत्र इच्छवाकु वंशी राजा इल के राज्य में काम्यक वन के समीप। वो काम्यक वन जहाँ अनेकों की इच्छा पूर्ति हो। चलो देवी। स्वामी, नंदी और शिवगणों को बताए बिना ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे? उन्हें बताने पर शक्ति वन में क्या एकांत रह पाएगा?